दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज के इस ब्लॉग में हम आ गए हैं, पीछे है शीशम का पेड़ और पीछे है जामुन का पेड़। बट अभी जो सीज़न चल रहा है, आपने मार्केट और मोहल्लों में अपने जामुन बिकते हुए देखा होगा। तो बिकना तो आपने देखा है, उसको टेस्ट भी किया है, बट क्या पेड़ में लगे हुए और पेड़ से प्लक करके खाने का जो अनुभव है वो जाना है नहीं जाना है? कोई बात नहीं, नहीं जानते हैं, ये मेरे द्वारा आप आजमाइए, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ करने चल रहा हूँ। तो चलिए दिखा देता हूँ यहाँ पर कि ये देखिए गाइस, ये मेरे पीछे यहाँ पे ये देखिए, ये बंच लगा हुआ है जामुन का और यहाँ पे ये कितने अच्छे से हैं। और भी दिखा दूँगा आपको, ये देखिए गाइस, ये पूरे जामुन लगे हैं, अभी कुछ कच्चे हैं, कुछ पक रहे हैं। और ये पूरा ट्री इस समय मेरे मतलब इसका जो पूरा वो डाल है ये इधर झुका हुआ और मैं यहाँ पे छत पर हूँ और ये इस साइड में बैकयार्ड से ये आया है ऊपर से और ये ऐसे आते हुए यहाँ पर ये इस तरह से लगा हुआ है। तो ये जामुन है पूरी तरह से, आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे पूरा, मैं जामुन के बंच पूरे मेरे ऊपर हैं, गुच्छे जो लगे हैं पूरे ढेर सारे जामुन है गाइस। मज़ा आ रहा है इस तरह के जामुन। अब मैं अगर इसको एक एक प्लग भी करूं यहाँ से, ये देखिए बहुत सारे जामुन है, मैं कैमरा फ्लिप कर रहा हूँ, देखिए ये जामुन, फिर वहाँ जामुन। कभी मैं आम के पेड़ पर रहता हूँ, कभी कहीं रहता हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि मैं आम के पेड़ पर रहता हूँ, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ जामुन दिखा रहा हूँ गाइस। तो ये आप जामुन आप देख पा रहे हैं और कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट में कि क्या आपने कभी जामुन को पेड़ से तोड़ करके खाया है। हालांकि इसकी एक चीज़ बता दूं कि ये अभी तो सख्त हैं, अच्छे हैं, खाने लायक हैं और इतने के साथ में बहुत ही जूसी भी होते हैं। बट इतने ज़्यादा जूसी होने के बाद में भी हो सकता है कि ये ज़्यादा पकने के बाद ना यहाँ पे चूना चालू हो जाता है, इसका रस ये टपक टपक के पूरे छत को दाग कर देते हैं, इसका जामुन का दाग जल्दी छूटता भी नहीं है। लेकिन ये बहुत ही फ़ायदेमंद एक तरह से औषधि भी है, फ्रूट्स भी है, जो कि डायबिटीज़ के लोगों के लिए बहुत ही रामबाण चीज़ है। और इस तरह से अगर आप इसको खाएंगे मज़ा आता है। थोड़ा सा एक अपने वर्ड में बोलूं तो इसको थोड़ा सा कसाइला लगता है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार है। ये आप देख रहे हैं रेड है, अभी तो ये और ज़्यादा पकेगा, ये और ज़्यादा बैगनी हो जाएगा और बहुत ही मज़ा आएगा इसको। आप लोग सच में, जामुन का सीज़न आ चुका है और अगर घर में कोई भी डायबिटीज़ का पेशेंट है या किसी भी तरह से, तो आप जामुन ज़रूर उनको दीजिए। कैसा लगा ये ब्लॉग आज का मुझे बताइएगा, क्योंकि ये सिर्फ मैं आज आप लोगों के लिए बनाया हूँ और ढेर सारे जामुन है, एक ही नहीं है। फिर ये देखिए यहाँ पे भी जामुन ही है ये, और पूरे अभी ये जामुन पक जाएंगे, पूरे जामुन ये यहाँ पे पक जाएंगे। और गाइस प्लीज़ बताइए कि ये कमेंट कैसा लगा आपको, क्योंकि ये जो जामुन है ये काफ़ी मज़ेदार है। और मैं यही जानना चाहूँगा कमेंट में कि क्या आप में से कितने लोग जामुन को इस तरह से पेड़ से तोड़ करके खाया है, या तो फिर पेड़ से नीचे गिरे हैं और फिर उसको बिन बिन के खाया है, तो जरूर बताइएगा। अभी मेरे दांत में भी लग रहे हैं और देख रहे हैं इसका रस जो है, ये देखिए गाइस कैसा लग रहा है ये, मतलब काफ़ी मज़ा आ रहा है गाइस। जो भी है अब बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, उंगली पे भी देखिए, ये देखिए कैसा वाव, तो बहुत ही उम्दा टेस्ट है, बहुत गजब का है और बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। तो ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा कमेंट में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। आपका प्यार और आपका स्नेह मुझे साथ होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दीजिए अतुल को इजाज़त। टिल देन गुड बाय, फिर मिलेंगे, बाय बाय।